नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिंदे और उद्धव गुट के बीच आज नासिक में हाई वोल्टेज ड्रामे के आसार है। आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा नासिक पहुंच रही है और इस दौरान शिंदे समर्थक विधायक सुहास कांडे ने उनसे मुलाकात करने का ऐलान किया है। तो शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर वे लौटना चाहते हैं तो पार्टी छोड़ने वाले दगाबाजों का स्वागत किया जाएगा। वहीं मुंबई पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा है जिसने शारीरिक संबंध के लिए 550 से अधिक महिलाओं को ब्लैकमेल किया, जिसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल है। तो उधर बुजुर्ग महिलाओं को सरे राह लूटने वाला आरोपी भी गिरफ्त में आ चुका है। मुंबई में उसके खिलाफ ठगी के 58 मामले दर्ज है। इसी बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के दौरान त्योहारों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना से बगावत करके मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज नासिक में हाई वोल्टेज ड्रामे के भी आसार है। आदित्य ठाकरे फिलहाल शिव सांसद यात्रा निकाल रहे हैं और राज्य का दौरा कर रहे हैं। आज ये यात्रा नासिक पहुंच रही है और इस दौरान एकनाथ शिंदे समर्थक विधायक सुहास कांडे ने उनसे मुलाकात करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आदित्य ठाकरे से मिलकर पूछूंगा कि आखिर हमसे गलती क्या हुई है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछूंगा कि अगर हम हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। ऐसे में सुहास कांडे और आदित्य ठाकरे की मुलाकात के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। सुहास कांडे ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं आज अपने समर्थकों के साथ आदित्य ठाकरे से मिलूंगा। मैंने शिवसेना के संपर्क प्रमुख जयंत डिंडे को फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं आदित्य ठाकरे से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं बॉस से बात करूंगा और उन्हें इस बारे में जानकारी दूंगा। डिंडे ने कहा कि मैं अब मनमाड़ निकल रहा हूं, जहां आज आदित्य ठाकरे की शिव संपर्क यात्रा पहुँचने वाली है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर वे लौटना चाहते हैं तो पार्टी छोड़ने वाले दगाबाजों का स्वागत किया जाएगा। वो शिवसेना के बागी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह जिले ठाणे के भिवंडी शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शिवसेना के युवा नेता ने कहा कि दगाबाज अगर शिवसेना में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा, लेकिन हमें उनके कार्यों से बहुत दुख पहुंचा है। हमने उन पर भरोसा किया, उन्हें गले लगाया और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने उन पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए निष्ठा यात्रा शुरू की है जो अब भी उद्धव ठाकरे खेमे के साथ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पिता के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने कभी अपने ही विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं की जासूसी नहीं की। मेरे पिताजी उद्धव ठाकरे अस्वस्थ थे, वो ठीक हो रहे थे, तभी उन्हें धोखा दिया गया। मुंबई में मीडिया की ओर से आदित्य के कटाक्ष के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, उन्हें जो कुछ भी बोलना है उन्हें बोलने दे, हम अपने काम से उनकी आलोचना का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने हमारे राजनीतिक रुख की पुष्टि की है, क्योंकि हम अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों का समर्थन इसका संकेत है। मुंबई में इसी साल फरवरी में एक कॉलेज गर्ल ने FIR दर्ज कराई थी कि उसके नंबर पर पॉर्न वीडियो भेजा जा रहा है। शिकायत में कहा गया था कि उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। आखिरकार पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल हो गई है। पुलिसकर्मियों को इस शख्स को ढूंढ निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपी ने 550 से अधिक महिलाओं को इस तरह से ब्लैकमेल किया, जिसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल है। इसके लिए उसने 10 सेल फोन और 12 अलग अलग सिम का इस्तेमाल किया। ये सिम उसने फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए हासिल की थी। अंधेरी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उसने अश्लील वीडियो भेजने के लिए कई महिलाओं और नाबालिगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट हासिल की। उसका इरादा उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना था। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय रवि दांडू के तौर पर हुई है। वो एक निजी बैंक के तकनीकी विभाग में संविदा कर्मचारी है। रवि ने न केवल विले पार्ले कॉलेज की 17 वर्षीय छात्रा और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल 35 अन्य छात्राओं को परेशान किया, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि उसने पीड़ितों के मॉर्फ्ड वीडियो भेजे और मांग रखी कि वे उसके साथ समय बिताए। 2 दिन पहले उसने मिलने के लिए एक लड़की को कॉल किया जिसे वो ब्लैकमेल कर रहा था। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उसे सायन स्थित उसके घर पर धर दबोचा। शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी में 5 महीने लग गए।
ऑनलाइन ठगी से लेकर राह चलते लोगों को ठगने वाले आरोपियों में ज्यादातर युवाओं के नाम आते हैं, लेकिन एक मामले में बुजुर्ग का नाम आया है। ये बुजुर्ग ठगी का शिकार भी बुजुर्ग महिलाओं को बनाता था। गोवंडी पुलिस ने आरोपी 62 वर्षीय आसिफ शब्बीर सैयद को गिरफ्तार किया है। आसिफ पर आरोप है कि वो घर से बाहर किसी काम से निकली अकेली बुजुर्ग महिलाओं को ठगता था। उसके खिलाफ ठगी के 58 मामले दर्ज है। शब्बीर इस मामले में अकेला आरोपी नहीं है, बल्कि वो बाकायदा गैंग बनाकर महिलाओं को ठगता है। ये आरोपी पूर्वी उपनगर के गोवंडी, मानखुर्द एवं चेंबूर आदि इलाकों में घूमते हैं। अगर कोई अकेली बुजुर्ग महिला दिख जाती है तो ये पहले मदद के बहाने उसके पास जाते हैं और खुद को भाई बहन के समान बताकर बातचीत करते हैं। जब बातचीत बढ़ जाती है तो उसके गहने आदि ठग कर भाग जाते हैं। गत 25 जून को 70 वर्षीय महिला घर जा रही थी। महिला ने पुलिस को बताया कि रास्ता खराब होने के कारण उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने आसिफ से मदद मांगी। आसिफ ने महिला से कहा कि वो खराब रास्ते पर चलते समय गिर सकती है, जिससे उसके गहने खराब हो सकते हैं। बातों में आकर महिला ने आसिफ की दी हुई थैली में मोबाइल, आभूषण आदि रख दिए और उसके साथ चलने लगी। कुछ दूर चलकर आसिफ ने महिला को थैली वापस कर दी और वहां से चला गया। महिला ने जब थैली देखी तो उसमें से सोने के 80,000 रुपए के गहने गायब थे। महिला की शिकायत पर गोवंडी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपी फरार है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के दौरान त्योहारों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि इस साल गणेशोत्सव, जन्माष्टमी और मुहर्रम बिना किसी कोविड-19 प्रतिबंध के होंगे। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा 10 दिवसीय सार्वजनिक उत्सव गणेशोत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर तक मनाया जाएगा, जबकि जन्माष्टमी का उत्सव 18-19 अगस्त को और मुहर्रम 9 अगस्त को है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी विभागों, नगर निकायों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, पुलिस और अन्य निकायों के साथ बैठक के बाद बहुप्रतीक्षित घोषणाएं की। शिंदे ने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, साथ ही भगवान गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई की सीमा भी हटा दी गई है। सरकार ने संबंधित निकायों को सिंगल विंडो प्रारूप में ऑनलाइन अनुमोदन प्रदान करने, पंजीकरण शुल्क माफ करने और गणेशोत्सव संगठनों से गारंटी पत्र देने का निर्देश किया है। इसके साथ ही सरकार पीओपी के पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए पीओपी मूर्तियों को बदलने के लिए एक समाधान विकसित करने में मदद करने के लिए विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाएगी। द्रौपदी मुर्मू ने 64% वोट पाकर राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्हें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से बंपर समर्थन मिला है। तो गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर जमकर हंगामा होने की खबर है। यहां कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का नाम बदलकर हज हाउस लिख दिया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इस बार नई एक्साइज पॉलिसी सवालों के घेरे में आ गई है। तो उधर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एडकेट कंपनी बायजूस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कांग्रेस के सांसद कीर्ति चिदंबरम ने बायजू रविंद्रन की अगुवाई वाली इस यूनिकॉर्न कंपनी की फंडिंग की जांच करने की मांग की है। इसी बीच सीबीएसई बोर्ड ने बिना किसी पूर्व सूचना के आज सीधे 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। 22 जुलाई 2022 की सुबह सुबह बोर्ड ने लंबे समय से प्रतीक्षित 12वीं के परिणाम पोर्टल पर रिलीज कर दिए। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। द्रौपदी मुर्मू ने 64% वोट पाकर राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्हें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से बंपर समर्थन मिला है। यही नहीं, देश भर से 126 विधायकों और 17 सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर उनके लिए क्रॉस वोटिंग भी की है। पर यह तस्वीर पूरे देश की नहीं है। देश के 4 राज्य ऐसे रहे हैं जहां उन्हें अधिकतम 12.5% वोट ही मिला। सबसे कम केरल में उन्हें 0.7% मत ही मिले, जहां उन्हें एकमात्र विधायक ने वोट डाला। इसके अलावा तेलंगाना में भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में महज 2.6% वोट ही पड़े। यहां टीआरएस की बड़े बहुमत के साथ सरकार है, जिसके नेता के चंद्रशेखर राव ने यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया था। इसके अलावा पंजाब में भी 7.3% ही वोट मिले, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के विधायकों ने भी यशवंत सिन्हा को ही वोट डाले और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। ऐसा ही हाल दिल्ली का रहा है, जहां द्रौपदी मुर्मू 12.5% वोट ही हासिल कर पाई।
तमिलनाडु जैसे राज्यों में भाजपा की स्थिति काफी कमजोर है, लेकिन यहां वो द्रौपदी मुर्मू को 31% वोट दिलाने में सफल रही है। देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भले ही द्रौपदी मुर्मू को कम वोट मिले, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उन्हें बंपर समर्थन मिला। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर जमकर हंगामा होने की खबर है। यहां कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का नाम बदलकर हज हाउस लिख दिया है। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता गुजरात कांग्रेस के प्रमुख जगदीश ठाकुर के बयानों को लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ठाकुर की तरफ से कहा गया कि देश के खजाने पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, इसे लेकर बवाल शुरू हो गया था। दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर हज हाउस के स्टिकर भी लगा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाए थे। हाल ही में ठाकुर ने कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों का समर्थन किया है और कभी अपनी विचारधारा नहीं बदली। हम सभी जानते हैं कि देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के पीछे कौन है और उन्हें इससे कैसे फायदा हो रहा है, हम जानते हैं और फिर भी इसमें फंस जाते हैं। हमें जाल में नहीं फंसने को लेकर सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से पार्टी के समर्थन की अपील की है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। इस बार नई एक्साइज पॉलिसी सवालों के घेरे में आ गई है। LG विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए हैं। इसमें शराब के दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। LG विनय कुमार सक्सेना ने यह कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया है। LG के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब में हमारी जीत के बाद BJP घबराई हुई है, अब मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश हो रही है। पार्टी ने कहा कि CM केजरीवाल ने पहले इस बात की आशंका जता दी थी। एक्साइज पॉलिसी की CBI जांच के आदेश के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि शराब माफिया को 155 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा पहुंचाया गया। टकराव के इस क्रम में एक दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1 अगस्त को एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उपराज्यपाल ने कहा कि ये महापौरों का सम्मेलन है, एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें शामिल होना अनुचित होगा। LG ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन में मुख्यमंत्री के शामिल होने से गलत नजर बनेगी। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एडकेट कंपनी बायजूस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कांग्रेस के सांसद कीर्ति चिदंबरम ने बायजूस रविंद्रन की अगुवाई वाली इस यूनिकॉर्न कंपनी की फंडिंग की जांच करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं है और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को इसकी जांच करनी चाहिए। बायजूस ने हाल में $80 करोड़ जुटाने का दावा किया था, लेकिन कंपनी की ताज़ा फंडिंग राउंड में हिस्सा लेने वाली कई कंपनियों ने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। इससे कंपनी की फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं। कीर्ति चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने SFI को बायजूस की फंडिंग की जांच करने के लिए एक पत्र लिखा है। इस मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए। कीर्ति चिदंबरम का कहना है कि कंपनी के फाइनेंस के बारे में कई तरह खबरें आ रही है। हालांकि कंपनी ने हाल में कहा था कि उसके फंड जुटाने के प्रयास पटरी पर है और $80 करोड़ में से अधिकांश रकम मिल चुकी है। कंपनी का कहना था कि माइक्रो इकोनॉमिक बदलावों के कारण फंड मिलने में देरी हुई है और ये अगस्त तक उसे पूंजी मिल सकती है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन $22 अरब पहुंच गया था। इस राउंड में बायजूस रविंद्रन ने $40 करोड़ का पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया है। CBSE बोर्ड ने बिना किसी पूर्व सूचना के आज सीधे 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। 22 जुलाई 2022 की सुबह बोर्ड ने लंबे समय से प्रतीक्षित 12वीं के परिणाम पोर्टल पर रिलीज कर दिए। CBSE 12वीं रिजल्ट में इस साल छात्राओं ने बाजी मारी है। परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। इस साल का कुल पास प्रतिशत 92.71% रहा है। लड़कों की तुलना में 3.29% लड़कियों का रिजल्ट बेहतर लगा है। नोएडा MET स्कूल के 3 बच्चों ने देश भर में टॉप किया है। एक बच्चे ने 500 में से 500, दूसरे ने 499 और तीसरे ने 498 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अब 10वीं रिजल्ट पर अपडेट आ रही है कि ये परिणाम भी अब बिना किसी देरी के कल घोषित हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि CBSE बोर्ड
कल 23 जुलाई 2022 को 10वीं टर्म 2 के रिजल्ट का ऐलान कर देगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल रिजल्ट जारी हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे तक नतीजे घोषित हो जाएंगे। बोर्ड की पुष्टि की बात करें तो वो अभी तक नहीं हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं रिजल्ट पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की है, इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहे। श्रीलंका में हालात संभालने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ प्रदर्शनों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ लोग पासपोर्ट कार्यालय में जमा हो रहे हैं। वो किसी और देश में कमाने खाने जाना चाहते हैं। वहीं 2 बूस्टर डोज के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बीमारी के कोई सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि वे पहले से ज्यादा स्वस्थ दिख रहे हैं। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन में पीएम चुनाव के लिए अब तक हर राउंड में सबसे अधिक मत हासिल करने वाले ऋषि सुनक की राह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लिए आसान नहीं होने वाली है। तो उधर इटली में राजनीतिक अस्थिरता के बाद प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने इस्तीफा दे दिया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्रीलंका में हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ श्रीलंका की सेना ने देर रात सख्त अभियान चलाया। पूरी रात सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच विद्रोह देखने को मिला। सेना ने प्रदर्शनकारियों के टेंट आदि को उखाड़ दिया और राष्ट्रपति के सचिवालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, बैरिकेडिंग को लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के कैंप में सेना ने कल रात छापेमारी की थी। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि रानिल विक्रमसिंघे हमें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने देश को इस तरह की राजनीति से मुक्त कराना चाहते हैं। वहीं सेना ने रात भर कोलंबो में अभियान चलाया। देश में आर्थिक संकट के बीच आम लोगों को अभी भी भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। श्रीलंका के संकट को देखते हुए देश भर से लोग पासपोर्ट कार्यालय में जमा हो रहे हैं। वो अपना नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाहते हैं। लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से बाहर जाना चाहते हैं। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि यहाँ न खाने को न ईंधन है, हम यहाँ जीने के लिए क्या करें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना के हल्के लक्षणों का अनुभव कर रहे थे। इसके बाद उनका कोरोना परीक्षण किया गया था जो कि पॉजिटिव आया है। जानकारी के मुताबिक 79 वर्षीय जो बाइडेन ने बीमारी के लिए फाइजर इंक के पैक्सलोविड एंटीवायरल टैबलेट लेना शुरू कर दिया है। प्रेस सचिव कराइन जीन पीरे ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अब क्वारंटाइन रहेंगे और अपनी नियोजित बैठकों में फोन और जूम के माध्यम से भाग लेंगे। इससे पहले जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन के लॉन्च होने के बाद ही तय समय पर दोनों वैक्सीन लिए थे। इसके बाद उन्होंने 2 बूस्टर डोज भी लिया था। बाइडेन से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसी बीच जापान में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के फैलने के बाद पहली बार यहां जापान में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 30,000 को पार कर गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि उच्चतम सतर्कता के साथ चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने के मुद्दे सहित संक्रमण की स्थिति पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। कोरोना की 7वीं लहर का सामना करने वाले देश जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इससे पहले देश की जनता से महामारी को लेकर अधिक से अधिक एहतियात बरतने का आग्रह किया था। रूस और यूक्रेन की जारी जंग के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बीमारी को लेकर मीडिया में काफी शोर शराबा हुआ। पश्चिमी मीडिया ने कई मौकों पर पुतिन को कैंसर होने की खबर फैलाई थी। अब शायद इस पर विराम लगता दिख रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख विलियम बर्न्स ने कहा कि उन्हें पुतिन की बीमारी से कोई सबूत नहीं मिले हैं। वे पहले से ज्यादा स्वस्थ दिख रहे हैं। जब से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था तब से लेकर अब तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी। हाल में ऐसी कई अपुष्ट खबरें भी मिली जिनमें पुतिन के बीमार होने की बात कही गई थी। 70 साल के होने जा रहे पुतिन के बारे में यहाँ तक लिखा गया कि वे कैंसर रोग से पीड़ित है और उनके पास गिनती के दिन बचे हुए है। हालांकि ऐसी खबरों का कोई आधार नहीं था। अब CIA ने सबकी बोलती बंद करके रख दी है। CIA प्रमुख का बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ और अधिक घातक हथियार देने की बात कर रहा है। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विश्व के उन मजबूत नेताओं में से एक है जो किसी भी हालत से लड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसे नेता बाजी पलटने में माहिर माने जाते हैं। 2 दशकों से ज्यादा समय तक व्लादिमीर पुतिन की रणनीतियों की निगरानी के बाद भी उनके बारे में सही सही भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल है।
ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सनक ने बोरिस जॉनसन की जगह ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में पांचवें दौर की वोटिंग जीत ली है। वो इस बार भी पहले नंबर पर रहे हैं। बीते कई दौर से पीछे चल रही लीज ट्रस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के फाइनल के लिए ऋषि सुनक और लीज ट्रस के रूप में दो उम्मीदवार तय हो चुके हैं। अब आज से दोनों उम्मीदवार पूरे देश में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच अपने लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद टोरी पार्टी के 1,60,000 सदस्य अपने नेता के लिए डाक के जरिए वोट डालेंगे। इन डाक मतपत्रों की गिनती कर 5 सितंबर को विजेता की घोषणा की जाएगी। अब तक हर राउंड में सबसे अधिक मत हासिल करने वाले ऋषि सुनक की राह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लिए आसान नहीं होने वाली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सुनक को अब कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच बेहद कठिन वोटिंग का सामना करना पड़ सकता है। हाल के सर्वेक्षणों के आंकड़े बता रहे हैं कि टोरी सदस्यों की वोटिंग में लीज ट्रस को ऋषि सुनक पर बढ़त हासिल है। इसकी वजह यह है कि आगे अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें टोरी पार्टी के लगभग 16,000 मेंबर्स वोटिंग करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इन मेंबर्स के बीच लीज की स्वीकार्यता सुनक के मुकाबले बेहतर है। ऐसे में ऋषि सुनक के लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। इटली में राजनीतिक अस्थिरता के बाद प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने से पहले संसद में उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला को इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो अपने गठबंधन को संभालने में कामयाब नहीं रहे। राष्ट्रपति ने द्रागी से कहा कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक वो अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करे। गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 5 स्टार मूवमेंट में विश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेने इनकार कर दिया था। मारियो ने संसद में विश्वास मत आसानी से जीत लिया था। इसके बाद भी उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने संसद में कहा कि नेशनल यूनिटी कॉलिशन की सरकार अब अस्तित्व में नहीं है। अब इटली में समय से पहले चुनाव होने हैं। दरअसल 5 स्टार मूवमेंट ने कहा था कि प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे महंगाई कम करने में नाकामयाब रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने विश्वास प्रस्ताव में न शामिल होने का फैसला किया था। वही अन्य सहयोगी दलों ने भी कहा था कि अगर 5 स्टार मूवमेंट वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी तो वे भी गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। बता दें कि इटली में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 2023 में खत्म होना था, लेकिन अब राष्ट्रपति कभी भी समय से पहले चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।